दोस्तों वैसे तो पूरे विश्व में अनेकों भूतिया जगह मौजूद हैं जिनका भूतिया होना अपनी ही एक अलग दास्तान बयां करता है। पृथ्वी पर ऐसी भी भूतिया जगह पड़ी हुई हैं जहां पर लोग दिन में जाने से डरते हैं। और तो और कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां जाने के बाद बचकर आना असंभव है। ऐसे ही आज हम आपको भारत में स्थित भूतिया जगहों के बारे में बताएंगे। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। नंबर 1, टाऊ हिल। पश्चिम बंगाल के कुर्श्याम जगह पर स्थित यह जगह बड़ी अभिशप्त मानी जाती है। इस जगह पर एक कब्रिस्तान मौजूद है जो भूतिया माना जाता है। यहाँ लोग दिन में भी जाने से कतराते हैं। यहाँ पर कई लोगों के साथ अजीबोगरीब अनुभव होना आम बात है, जिसके कारण कई लोग बुरी तरह से डर जाते हैं तथा कई लोगों का तो मानसिक संतुलन ही खो गया है। कुछ समय पहले इस जगह को एक सुसाइड पॉइंट माना जाता था और यह भी माना जाता था कि यहाँ पर सुसाइड किए हुए लोगों की आत्माएं भटकती हैं, जिसके कारण यहाँ पर घूमने गए लोगों को बहुत ही भयानक अनुभव होते थे। इस जगह के ऊपर एक हॉलीवुड फिल्म भी बन चुकी है। नंबर 2, दिल्ली कैंट। दिल्ली कैंट का एक हॉस्ट इलाका दिल्ली कैंट है, जहां पर एक सफेद साड़ी वाली महिला के भूत होने की अफवाह फैली हुई है। इस इलाके के कई लोग इसे कोरी अफवाह बताते हैं तो कुछ इसे सच बताते हैं। कुछ लोगों के अनुसार सफेद साड़ी पहने एक महिला रात में यहां लोगों से लिफ्ट मांगती है, जिसके कारण यहां पर कई एक्सीडेंट हो चुके हैं। इसलिए दिल्ली कैंट में लोग रात को बहुत ध्यान से एवं संभल कर गाड़ी चलाते हैं। नंबर 3, इकबाल मिर्ची का बंगला, भोपाल। भोपाल में स्थित इकबाल मिर्ची के इस बंगले को भूतिया बंगला माना जाता है और वर्तमान में यह बंगला दिखने में भी भूतिया लगता है। इस बंगले में गुलशन कुमार के हत्यारे की लाश मिली थी, तभी से इस बंगले को भूतिया बंगला माना जाता है। कहते हैं कि इस बंगले में भूतों का डेरा बस चुका है, इसलिए कोई भी इसे खरीदकर मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता। नंबर 4, ताज होटल, मुंबई। मुंबई में स्थित ताज होटल भारत के सबसे प्रसिद्ध होटल में गिना जाता है। इसकी सुंदरता और इसका आकर्षण किसी भी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है तथा यह भारत के सबसे महंगे होटल में से एक है। लेकिन इससे जुड़े एक दूसरा पक्ष भी है। इसके अनुसार इसके आर्किटेक्ट ने इसको बनाने के बाद होटल के अंदर ही आत्महत्या कर ली थी और लोगों के अनुसार इनकी आत्मा इस होटल के अंदर ही घूमती है। फिलहाल हम इस घटना की सच्चाई के बारे में कुछ और नहीं कह सकते। नंबर 5, भानगढ़ का किला, राजस्थान। भानगढ़ का किला भारत की सबसे प्रसिद्ध भूतिया जगहों में से एक है। इसके ऊपर कई डॉक्यूमेंट भी बन चुके हैं। यही नहीं, यहाँ पर आकर लगभग हर बड़े न्यूज चैनल ने भी भूतों के बारे में रिकॉर्डिंग की है। इस जगह पर सरकारी आदेश के अनुसार रात में रुकने पर प्रतिबंध है, जो इस बात को दर्शाता है कि यह जगह वास्तव में कितनी डरावनी और खतरनाक है। कुछ समय पहले एक उत्साही नाम के एक पत्रकार ने यहाँ पर आकर रात में रिकॉर्डिंग की और आत्माओं से बातचीत करने की कोशिश भी की, लेकिन कुछ समय के बाद उस पत्रकार की अचानक मौत हो गई। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। दोस्तों अगर आप ड्रीम इलेवन या कोई अन्य फैंटेसी खेलते हो, अगर आप चाहते हो फैंटेसी से अच्छा पैसा कमा सको, तो स्पोर्ट नगर को फॉलो कर सकते हो।